एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ठंड में आप देख सकते हो मैं अभी छत में आ रखी हूँ, क्योंकि आपको मैंने कल बताया ही था मेरी सारी वीडियो जो ड्राफ्ट में थी इंस्टा में वो सब चली गई है, फ़ोन ख़राब हो गया था, इसलिए मेरे पास वो ड्राफ्ट वाली वीडियो भी नहीं है, क्योंकि फ़ोन के डिवाइस में ही वो वीडियो सेव होती है वहाँ पर ड्राफ्ट में। हम अदर मतलब दूसरे फ़ोन में भी अगर हम लॉग इन कर लेते हैं बट वो ड्राफ्ट की वीडियो नहीं आती है, तो उस वजह से मेरे पास अब वीडियो कोई भी नहीं है इंस्टा में डालने के लिए। तो इसलिए मैं देख सकते हो मेरी जुखाम भी हो गया है मुझे, और मेरे गले में कफ भी है, तब भी मैं यहाँ इतनी ठंड में छत में आई हूँ साड़ी पहन के वीडियो बनाने के लिए। बस लाइक कीजिए। अब इस वीडियो में मतलब इस वाले फ़ोन में मेरी सासू मोम का फ़ोन है ये, तो इसमें इतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। और बस जैसा भी है ब्लॉग बनाऊंगी, जैसा भी होगा फ़ोन ठीक होके आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी फ़ोन से ही होगा जो होगा, तो थोड़ा सा क्लियरिटी में थोड़ा फ़र्क आएगा। और बस सब्सक्राइब करना चैनल को यार, तबीयत ठीक नहीं है फिर भी बना रही हूँ बस आप सबके लिए, बाकी जो भी होगा मीटिंग में दिखाऊंगी। ओके, सो मैंने वीडियोज़ बना ली है रील्स के लिए और टकाटक के लिए, बट मेरे को बहुत ठंड लग रही है, मेरे हाथ तो ऐसे हो रहे हैं बिल्कुल बर्फ़ आइस जो होती है ना, आइस जैसे हाथ हो रहे हैं ठंडे, और ऊपर से कोल्ड और गले में कफ, बता नहीं सकती क्या हाल है, बट फिर भी कर रही हूँ। देखो छत में, आप छत का नज़ारा तो आपको दिखा चुकी हूँ बट फिर से दिखा देती हूँ, देख सकते हो पीछे खेत है, यहाँ पर खुला खुला है खेत है, जूम करके दिखा, जूम नहीं हो रहा है, इस फ़ोन का दिक्कत है, क्लियरिटी भी अच्छी नहीं आ रही होगी है ना, देख सकते हो बहुत ठंड है। सूरज जी शाम हो गई ना, 5:30 होने वाला होगा, मतलब 5 बज रहा होगा, ये बहुत ज़्यादा। फ़ोन का ये है कि भैया का कॉल आया था, कह रहे थे कि उसमें मतलब 7,500-8,000 रुपये लगेंगे, उसमें न्यू फोल्डर डलेगा, डिस्प्ले भी मतलब ख़राब हो गया तो वो पूरा ही रिपेयर होगा। और मैंने बोला भैया जो मेरी ड्राफ्ट में वीडियो थी तो वो तो मिल जाएगी ना मुझे, तो कह रहे हैं हाँ मिल जाएगी, बैकअप तो आपका रहेगा तो फोल्डर रहेंगे। बाकी जाते हैं अभी एक दो और वीडियोज़ बना लेती हूँ फिर जाते हूँ चेंज करते हैं। ये मैं अभी नीचे जा रही थी तो मैंने देखा यहाँ पर सूरज ढल रहा है, बड़ा अच्छा लगता है ना सूरज निकलता हुआ और ढलता हुआ, तो आप ये देख सकते हो सूरज को ढलते हुए, तो उसे मैं जूम करके भी दिखा रही हूँ आपको, इससे ज़्यादा जूम नहीं हो सकता, तो बड़ा सुंदर लगता है। वाह, जब मैंने फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड व्लॉग में मैंने दिखाया था कि सूरज ऐसे ढलता हुआ, क्योंकि मैं इसी टाइम पर आती हूँ ऐसे 3:30 बजे के बाद, फिर मैं रहती हूँ यहाँ पर 5:30 बजे तक, जब तक दिन नहीं ढल जाता, मतलब देखो अभी आप देख सकते हो कि सूरज ढल रहा है, तो अब जा रही हूँ मैं नीचे, मतलब 3:30 बजे आई से मैं अब जा रही हूँ, तो मतलब बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है वीडियोज़ के लिए। जा रही हूँ अभी नीचे, मतलब मैं बनाती हूँ 3-4 गानों में, बट उन 3-4 गानों में ही मतलब जैसे एक गाना है तो इस एक गाने में 4-5 बार प्रैक्टिस करनी पड़ जाती है, 4-5 बार, क्योंकि कोई भी गाने के स्टेप्स एकदम से नहीं आते, एक्टर्स को इतने ज़्यादा मतलब स्टेप्स लेने पड़ते हैं, हम तो नॉर्मल लोग हैं बट नहीं आते हैं एकदम से स्टेप्स, फिर भी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से आप सबके लिए, हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी, तो स्टेप्स की मतलब एक गाने में मैं 3-4 बार इसको भी परेशान कर देती हूँ मैं। कपड़े उठा के ला रही हूँ सारी, ठंड में इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ लगी हुई है इसीलिए कि मेरी वीडियो बनाएगी और मैं भी बनाऊँगी, तो मतलब मेरे साथ लेवल लगी रहती है और एडिटिंग भी करती है, तो सबसे मेहनत का काम तनुजा का ही है, बहुत अच्छी है मेरे घर में, मतलब सब अच्छी हैं, सब हेल्प करते हैं सब। ये देखिए हॉल, मैं आपको पूरा होम टूर नहीं कराऊंगी बट मैं छोटा सा ट्रेलर दिखा देती हूँ, मतलब हॉल दिखा देती हूँ, थोड़ी आवाज़ आ रही है ना कुंडी खोलते हुए आ रही है, लाइट ऑन कर देती हूँ। तो ये जब LED आया था तो उसका वीडियो शूट करके रखा था मैंने, बट नहीं कर पाई थी क्योंकि दिवाली के टाइम पे आया था, अब इतना पुराना मेरे को टाइम नहीं लगा तो इसलिए मैंने नहीं दिखाया। ये हमने ट्री बनाया था, मतलब हमने क्रिसमस ट्री बनाया था, क्रिसमस ट्री, तो ये ट्री आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा, अगर ब्लॉग जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, यहाँ की लाइट ऑन करनी पड़ेगी। तो ये हमारा हॉल है ऊपर टॉप फ्लोर पे, जस्ट ऐसे ही शेयर कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है। हाँ, मैंने पंखा चला दिया अपना घर में, ठंडा पंखा चला दिया मैंने, तो ये आप देख सकते हो मेरा हॉल, यहाँ पे 4-4 बैठे होते हैं क्योंकि धूप अच्छी आती है यहाँ पर, इधर बैठ के वो यहाँ पर फोल्डिंग चारपाई लगा लेते हैं और यहाँ TV चला लेते हैं, तो मतलब यहाँ पे धूप आ जाती है, सीधी धूप आती है बिल्कुल सीधी,
तो धूप में मतलब धूप भी मिलती रहती है और एंटरटेनमेंट भी होता रहता है, टीवी का मजा होता रहता है। तो मतलब हम जो भी जिसको भी टाइम मिल जाता है यहाँ बैठ जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल नहीं मिलता टाइम, घर के सफाई में ही मेरा टाइम पूरा निकल जाता है और कुछ इन कामों में मतलब वीडियोज़ वगैरह में, तो मेरे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। बट जब टाइम होता है तो आ जाती हूँ, टाइम होता है तो फिर वीडियो बनाने के लिए ही आती हूँ, शूट के लिए। धूप देखने तो मैं नहीं आती हूँ, तो मेरे में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है। चलिए फटाफट से हम नीचे चलते हैं, चाय पानी पीते हैं। समझा, बंद कर देगी कैसे करेगी। चलो चलते हैं। तबीयत इतनी ख़राब हो रही है मेरी, मैं ऊपर ठंड में गई हूँ ना, तो मेरा ठंड की वजह से, हाँ देखो नीचे से आवाज़ भी दे रहा है मुझे, ठंड की वजह से मेरे को मेरा गला और ज़्यादा वो लग रहा है, हवा चल रही है ना, हवा की वजह से और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, ऐसा लग रहा है। लाइट ऑन कर देती हूँ। चलिए, तिनसु भी चिल्ला रहा है, तिनसु बुला रहा है, उसको पता चल गया मैं आ रही हूँ। गेट खोलो। हाँ पहले से यहाँ खड़ा है, अरे पकड़ उसको, गिर जाएगा। पैर पोछ लो, गंदे हो गए। सो हम निकल चुके हैं अभी घर से, फ़ोन लेने के लिए मेरे पास कॉल आ गया है कि भैया ने फ़ोन ठीक कर दिया है, तो आ जाओ कह रहे हैं लेने के लिए, तो वही जा रहे हैं हम लेने के लिए। चलते हैं, खुशी भी है पर एक तरह का वो भी है नुकसान, पैसे बंदे पड़ रहे हैं। चलो गाइस, मैं घर पर आ गई हूँ, बड़ी सेफ्टी से मैं अपने फ़ोन को लेके आई हूँ, क्योंकि एक बार टूट जाए ना तो अकल आ जाती है। तो आप ये देख सकते हो ये पूरा पैक है, और उन्होंने बोला है कि अभी इसको यूज़ मत करना, 3 घंटे तक इसको ऐसे ही रखना है। बट मैं इसको आज यूज़ नहीं करूँगी, कल से यूज़ करूँगी। टैम्पर इसमें अभी लगा नहीं है, उन्होंने बोला था कि अभी अभी ये ठीक हुआ है तो टैम्पर नहीं लगाना। पूरा पैक कर रखा है देखो रबड़ से, टैम्पर अभी नहीं लगाना, कल आप कल लेके आना, कल टैम्पर लगेगा। और मतलब इसको ऐसे ही रखना 2-3 घंटे तक, पर मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगी, अभी मैं इसी फ़ोन को यूज़ करूँगी जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ। कल तक इसको ऐसे ही रखती हूँ, फिर कल डालूँगी इसमें सिम और बैक कवर लूँगी कोई अच्छा सा जो कवर करे अच्छे से और सेफ्टी रखे। अब मुझे फ़ोन को बचा के रखना है। 7.5 इसमें लगा है, तो अब सेफ्टी रखने की ज़रूरत है। नया फ़ोन बार बार इतने पैसे इसमें अभी लग गए हैं, 7,500 तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, नया फ़ोन ही आ जाता कुछ में। लेकिन ये फ़ोन मैं नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए मैं इसी को ही ठीक कराया है मैंने, यही है। देखो ऐसा होता है जब होना होता है ना, पता नहीं चलता कहाँ से कहाँ हो जाता है, यही है। चलिए और मैं गिफ्ट आपको दिखाती हूँ, मैं थोड़ी देर में दिखाऊंगी या देखती हूँ कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे हमने उसको डिटैच किया, वो जो लैम्प था, और कैसे कैसे वो कैंडल वाला जो था जिसमें लेवेंडर की फ्रेगनेंस थी, वो कैसे कैसे हमने लगाया, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर देख पाई, अगर दिखा पाई तो अभी दिखा दूँगी, नहीं तो कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। पर कोशिश करती हूँ कि अभी उसको कैसे करके दिखाना है, तो वीडियोज़ के एंड तक बने रहना, ठीक। ये क्या हाल कर रखा है इन्होंने, पूरा बाजार लगा दिया है कमरे में। हम दिन भर ये उठा उठा के, पूरी थकान हो जाती है हमें उठा उठा के, ऐसे फैलाए रहते हैं। देखो ये है, ये नन्नू नी पिंसू, ये करता है ये सब काम, हमारी तबीयत खराब हो जाती है ये सब इनको समेट समेट के। पिंसू उठाओ सारा एक तो तबीयत ठीक नहीं है। पिंसू उठाओ उसको, टोकरी में भरो भरो ये सब। पिंसू नहीं, चार्ज भी नहीं लगने देगा, बंद करो इसको, बंद कह रही हूँ, भरो इसके अंदर। वो क्या कर रहा है वहाँ पे नन्नू, वहाँ पढ़ाई कर, देखो भाई पढ़ाई कर रहा है। ए पिंसी टोकरी में भरो इसे, मुझे ही बनना पड़ेगा कि ये कहाँ से भरेगा, इसका तो काम फैलाने का है फैलाने का काम है इसका। भरो इसे, भरो भरो, जैसे फैलाया ना इसको, उठा उठा इसे, उठाओ नहीं उठाएगा, उठाओ बस, और कर दिया इतनी बार करें। खाना नहीं खाने दे रहा, खाना नहीं खाए, मत खा, हो गया तेरा, क्यों खाना ना खाएगा, खाने तो दादी को, खाना खाने दो, खाना नहीं खाने दे रहा है, कह रहा हो गया बस, हो मत खा पहले तो यहाँ से उठा के वहां बैठा दिया खाना क्यों नहीं खाने दे रहा, फिर खाने दो बेटा, खाने दो, आ जा इधर आ जा, खाना नहीं खाने दे रहा है, कह रहा है बस हो गया मत खाओ। क्या हुआ तुमको,
पिंसु देखो देखो नहीं खाने देगा ये। अरे खाने दे, खाने के लिए रहे यहाँ बैठ के खा लो, खाने नहीं खाई, इतना खुद भी नहीं खाएगा, आपको भी नहीं खाने देगा। आजा इधर आजा, बताओ भैया कमाल हो रहे हैं। खाने दे, खाने दो, नहीं खाने देगा वो, कहा मत खा। ठीक तो है, खा तो रहे हैं। आमा खाए, आमा को खिलाओ, आमा को खिलाओ, आमा को खिलाओ। मत करो, हिलाओ मत। पूरा खत्म ना हो जाए, पहले मैं ही खा लूँ। बस बस और खाएगा। आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, और मतलब आज का व्लॉग यहीं तक ही, और कल मैं अपने वाले फ़ोन में ही अब बनाऊंगी वीडियो, जो भी बनाऊंगी अगर ठीक ठाक रहे, बस वो ठीक ठाक रहे। कल उसमें टेम्पर लगवाऊंगी, पहले जाती हूँ, मतलब कल नहीं परसों से बनेगा, कल शाम को जाऊंगी टेम्पर लगवाऊंगी, उसके बाद उसमें फ़ोन स्टार्ट करूँगी, बस वो फ़ोन मेरा आगे तक चल जाए। वैसे बोल रहे हैं कि हाँ हम गारंटी ले रहे हैं, बट लेकिन टूटने फूटने की और डैमेज की मतलब कोई गारंटी नहीं है, बट उसमें अगर कोई लाइनिंग आ जाती है, कुछ और डिस्प्ले चला जाता है, तो उसकी गारंटी लेते हैं। तो बस फोन सेव रहे, बाकी आपने देख लिया। हाँ, मैंने जो गिफ्ट अनबॉक्सिंग किए थे उसका मैं आपको बताया था, इसको कैसे डिटैच करना है, हमने कैसे बनाना था, तो वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी कि कैसे करना था, तो कल देखना जरूर। बाकी आज की वीडियोज़ को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ एक ऐसे ही न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, मिलते हैं।